हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01AZKN। आइए स्टार्ट करते हैं, सोल्व करेंगे इसे। फर्स्ट है, द फोर कश्मीरी मिलिटेंट हु क्रॉस्ड वागा विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड इनफिल्ट्रेटेड बैक इनटू द वैली एंडेड इन कॉफिन्स। ठीक है, अब चार कश्मीरी मिलिटेंट थे। मिलिटेंट क्या होते हैं? उग्रवादी। तो अब उग्रवादी यहाँ पे चार हैं, तो इसलिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे मिलिटेंट्स आना चाहिए, प्लूरल आएगा ना, तो ये तो एरर है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या था, कि जो जिन चार कश्मीरी मिलिटेंट्स ने क्रॉस किया था ना वाघा बॉर्डर विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड इन्फिल्ट्रेटेड। अब देखो, क्रॉस करके और वापस फिर बिना इजाज़त के क्या करके दोबारा फिर इन्फिल्ट्रेट करके किसमें, वैली में। वैली यहाँ पे कश्मीर की ही बात हो रही है, कश्मीर वैली की। एंडेड इन कॉफिन्स, वो क्या कर गए, कॉफिन्स में एंड कर गए, मतलब वो मर गए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है छिप कर घुसना कहीं पे, ठीक है, बिना इजाज़त के। नेक्स्ट है, पाकिस्तान सिक्योरिटी मैनेजर्स आल्सो फ्लैग देयर कंसर्न्स अबाउट मिलिटेंसी। हाँ, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मैनेजर है ना, मतलब वहाँ के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी फ्लैग करते हैं। देखो फ्लैग, अब हम इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लैग वैसे तो नाउन है, अब यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का मीनिंग फ्लैग क्या होता है। अब जब फ्लैग उठाते हैं हम, तो वो सबको दिख जाता है ना, अब कुछ छिपाने की तो चीज़ होती नहीं, क्योंकि जब फ्लैग लहरता है तो वो सबको दिख जाता है, तो इसका मतलब हम एक्सप्रेस कर जाते हैं। फ्लैग करने का मतलब हो गया एक्सप्रेस करना या पॉइंट आउट करना, क्या दिखा रहे हैं वो, उनकी कंसर्न्स, जो चिंताएं हैं उनकी भी, अबाउट मिलिटेंसी के बारे में, उग्रवाद के बारे में, इन बलूचिस्तान में। उनका हथियार पार्ट है ये, इस जगह को इन्होंने हथियार रखा है, एज इफ टू जस्टिफाई, क्या कर, जैसे कि वो जस्टिफाई कर रहे हो, हिज क्वार्टर बैकिंग ऑफ द इनसेंसेट। ठीक है, क्वार्टर बैकिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना किसी को। देखो बैक समवन, बैकअप क्या करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, तो किसको सपोर्ट कर रहे थे वो, इनसेंसेट वायलेंस। इनसेंसेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा, अनसम्पैथेटिक या क्रूर की सेंस में, इनसेंसिटिव, तो ज़्यादा वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे वो कश्मीर में। अब देखो जस्टिफाई किसको करते हैं, जस्टिफाई हम अपने एक्शंस को करते हैं, तो अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी मैनेजर्स कई हैं, तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, देयर क्वार्टर बैकिंग, उनका जो एक्शन है ना क्वार्टर बैक करने का, किसको, इनसेंसेट का, मतलब देखो एज इफ का मतलब वो सच में नहीं कर रहे, बट वो दिखावा ऐसे कर रहे हैं कि उसके बारे में वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कैसे करके, उनकी कंसर्न दिखा के, किसमें, बलूचिस्तान में मिलिटेंसी की कंसर्न है, जो मतलब लग ऐसा रहा है कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। जस्टिफाई देखो, जस्ट का मतलब होता है जो सही हो, एक जस्ट का मतलब होता है अबाउट की सेंस में, लेकिन यहाँ पे जस्ट का मतलब होता है सही, लीगल की सेंस में, तो यहाँ पे इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं कैसे, क्या करके, उनकी कंसर्न्स को पॉइंट आउट करके। तो यहाँ पे किस में एरर था, हिज नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल है ना मैनेजर्स हैं, देयर क्वार्टर बैकिंग ऑफ द इनसेंसेट वायलेंस, इसमें थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड ए मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प। अब मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया है, कर चुकी है क्या, एक मासिव का मतलब होता है बहुत ही लार्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प, जो ढांचा होता है उसका रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल नए सिरे से बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पूरी की पूरी, मतलब उस सेंस में, कंप्लीट की सेंस में। रिवैम्प डैश द कोस्ट, अब देखो कोस्ट क्या होते हैं, हमारे तट, समुद्र तट, अब फॉर द कोस्ट होगा नहीं, अब यहाँ से ही पता लगा सकते हैं हम सीधा, जाने की जरूरत ही नहीं आगे। अब नियर द कोस्ट हो सकता है, टू द कोस्ट नहीं होगा ये भी, ठीक है, कोस्ट तक उस सेंस में, अलोंग द कोस्ट हाँ ये भी हो सकता है। अब नियर द कोस्ट क्यों, नियर की बात तो हो ही नहीं रही, अब यहाँ पे फिर भी आगे से पता करते हैं अब हमें, बट पंजाब्स वेट फॉर आउटलेट्स कंटिन्यूज, लेकिन पंजाब का वेट है ना आउटलेट्स के लिए। अब देखो ये आउटलेट वैसे तो कोई बुक स्टोर को भी बोलते हैं, जैसे कि ये हमारी बुक का आउटलेट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे,
जैसे ये एम बी पब्लिकेशन का आउटलेट है भाई, इस शॉप से एम बी पब्लिकेशन की बुक्स मिलती हैं, तो वो हो गया एम बी पब्लिकेशन का आउटलेट। लेकिन अब किसी भी बुक का आउटलेट हो या किसी भी कमोडिटी, कोई भी जैसे प्रोडक्ट हो उसका आउटलेट हो सकता है ना, तो ये ट्रेड की टर्म में ये यूज़ होता है इसका मीनिंग। तो अब पंजाब है ना, पंजाब के आउटलेट बंद हो रहे हैं, बंद हो चुके हैं। क्यों? उसका तो पाकिस्तान के साथ वहाँ से बॉर्डर लगता है, तो झगड़े चलते रहते हैं वहाँ पे। तो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को वेट करना पड़ रहा है आउटलेट्स के लिए, और वो जारी है। तो अब यहाँ से पता लग रहा है अलोंग द कोस्ट आएगा, क्योंकि जो आउटलेट्स हैं वो कहाँ पे हैं, अलोंग द कोस्ट। तो फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है, पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिद्धू प्रेजेंस एट एज पाकिस्तान पीएम इमरान खान सोल डेस। अब देखो, अभी अभी पीछे गए थे नवजोत सिद्धू, कहाँ पे, पंजाब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के पास गए थे जब उन्होंने शपथ ले रहे थे। तो वो अकेले क्या थे, सोल डेस एज, देखो एज हिज सोल डेस, तो उसके वो क्या थे देखते हैं। फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से पॉइंट्स टू द पोटेंशियल ऑफ रिवाइविंग, वो किसको दिखाती है, किसकी तरफ इशारा करती है, पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, या तो होता है पावर या क्या फ़ायदा है वहाँ से, क्या किस चीज़ का फ़ायदा है। रिवाइविंग टास्क, टास्क को दोबारा पुनर्जीवित करने का, मतलब दोबारा स्टार्ट करने का। अबाउट री एंगेजिंग द टू पंजाब्स, किसके बारे में, दोनों पंजाब्स को री एंगेज करने के बारे में, मतलब इन्वॉल्व करने के बारे में। एंगेज करना क्या होता है, इन्वॉल्व करना। देखो यहाँ पे सोल डेस, सोल पार्टनर, पार्टनर मतलब वो एक साथ मिलके कोई काम कर रहे थे क्या, ठीक है, जैसे पार्टनर इन क्राइम होता है, मतलब क्या होता है, वो दोनों एक ही काम एक साथ कर रहे हैं। इनवाइटी, सोल इनवाइटी फ्रॉम इंडिया, सोल काउंटर पार्ट। अब काउंटर पार्ट क्या होता है, काउंटर पार्ट होता है सेम इक्विलेंट लेकिन दूसरी जगह पे। जैसे जो पंजाब, सॉरी, जो पाकिस्तान के पीएम का काउंटर पार्ट कौन होगा पता है, इंडिया का पीएम, ठीक है। ऐसे मतलब जो सारे पीएम है ना, वो एक दूसरे क्या है, काउंटर पार्ट है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे अब वो तो कोई ऐसी पोजीशन पे है नहीं जो नवजोत सिंधु है। तो अब फोय तो था दुश्मन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इन्वाइटी वो उनको इन्वाइट किया गया था, तो वो अकेले थे और, ठीक है, तो इसलिए सोल इन्वाइटी आएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, एंडेवर, सिनोनिम बताना है, सिमिलर। एंडेवर क्या होता है, एंडेवर होता है एफर्ट, ठीक है, एफर्ट करना, स्ट्रगल करना, वर्ब के तौर पे स्ट्रगल करना, नाउन एफर्ट होता है। अब देखो एंटरप्राइज भी एफर्ट होता है, लेकिन ये एफर्ट पता है बहुत ही लार्ज एफर्ट होता है, जैसे कोई कंपनी वगैरह, फर्म वगैरह, ठीक है, तो ये तो लार्ज की सेंस में होता है। अब सिंपली मतलब इसके दो मीनिंग है वैसे एंटरप्राइज के, या तो कंपनी, ठीक है, कि कोई भी एंटरप्राइज होगी, ये कंपनी अभी हमारी, ये एंटरप्राइज है उस सेंस में, या फिर एफर्ट बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसका एक स्पेसिफिक ही मीनिंग है एंडेवर का, तो स्पेसिफिक मीनिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अब प्लान करना या स्कीम करना, योजना बनाना, ये तो है नहीं, क्योंकि योजना में कोई एफर्ट थोड़े ना लग रहा है, बैठे बैठे कर रहे हैं। अब ट्रिक करना, चालबाजी करना कोई भी, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर था एफर्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ही गेव एन इवोकेटिव रेंडरिंग ऑफ हिज रिसेंट पोइम्स। देखो वोक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, तो यहाँ पे इवोकेटिव का मतलब क्या होता है, इवोकेटिव का मतलब होता है जो रिमेनिसेंट, या मतलब पिछली हमारे बातों को याद दिला दे, तो इसके सिनोनिम है रिडोलेंट या रेमनीसेंट, ठीक है। देखो रेमनीसेंट में देखो रिमाइंडर आ रहा है, जैसे रिमाइंडर की स्पेलिंग होती ना, तो ऐसे ही जो स्टार्टिंग के फाइव लेटर है ना वो सेम है, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है रिमाइंड करवाना। तो इवोकेटिव, अब रिमाइंड करवा देना जो किसी, जैसे हम पुरानी हमारी बातें रिमाइंड करके क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो इवोकेटिव का ये मीनिंग होता है कि इमोशनल कर देना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इमोशनल ऑप्शन राइट आंसर है, इमोशनल इसका सिनोनिम है। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग तो होता है एक्साइटिंग, जैसे हम कोई वेंचर पे जा रहे हैं
तो जर्नी पे जा रहे हैं या कोई भी नया काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक्साइटिंग होता है। अब एनचेंटिंग या इनकेंट्री ये होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग की सेंस में चेंट आ रहा है इसमें। इनकेंटेशन ये भी मंत्र वगैरह होते हैं, तो इनका मतलब होता है अट्रैक्ट, चार्मिंग की सेंस में। ये सिनोनिम है एक दूसरे के, सेकेंड और फोर्थ। देखो इसके क्या क्या सिनोनिम थे, रिडोलेंट और रेमिसेंट, इवोकेटिव का, ये दोनों मीनिंग सिमिलर हैं इसके। नेक्स्ट है अब अपोजिट वर्ड बताना है, तो सप्रेस। सप्रेस होता है किसी के ऊपर हावी हो जाना, दबाना, दमन करना, ठीक है, तो ओवर पावर करना, इसका मीनिंग हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा किसी को रिवील कर देना, ठीक है। ओपन, अब ओपन का मीनिंग तो क्या होगा, अपोजिट क्लोज होगा, तो क्लोज का मीनिंग अपोजिट ओपन होता है। लेकिन सप्रेस तो मतलब हम कर रहे हैं, अब रिवील भी कोई करेगा, ठीक है। क्लोज तो कोई गेट वगैरह से रिलेटेड होता है, ज़रूरी नहीं। अब क्लोज या ओपन तो किसी हाउस को ही कर सकते हैं ना, किसी पर्सन को थोड़े ना कर सकते हैं। तो सप्रेस हम, जैसे हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, हम दबाते हैं, दबा के रखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या पसंद करते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो सप्रेस है। तो इसी का अपोजिट हो गया रिवील करना, मतलब प्रकाशित कर देना, दिखा देना क्लियरली। अब ये इंक्रीज करना है, इंक्रीज का तो अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो होता है इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीडायलेक्शन। प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना या किसी का फेवर करना उस सेंस में। तो इसके सिनोनिम होते हैं प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में भी देखो किसी को प्रेफर करते हैं, फेवर करते हैं। प्रोपेंसिटी भी झुकाव होता है किसी की तरफ, लाइकनेस होना। पेंचेंट, पेंचेंट भी लाइकनेस। प्रोक्लाइविटी, प्रोक्लाइविटी भी ये होता है किसी की तरफ, प्रो का मतलब होता है की तरफ उस सेंस में, तो इसका मतलब इन सब का यही निकल रहा है। अब प्री डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज का मतलब भी देखो पोज आ रहा है, पोजीशन मतलब पोजीशन ही ऐसी ले ली कि उसकी तरफ झुकाव हो गया, ठीक है, तो इसलिए इन सब का मीनिंग यही होता है, किसी की तरफ झुकाव या किसी का फेवर लेना। तो अब यहाँ पे अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होगा, किसी से नफरत। देखो इनका मतलब थोड़ा लाइकनेस, अब किसी की तरफ झुकाव कब होगा, जब हम उसको लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे पर्सनली अपने इमोशंस के हिसाब से। तो अपोजिट क्या होगा इसका, डिसलाइक या डिटेस्ट या अवर्जन, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रीडिकमेंट होता है डिफिकल्टी कोई भी, ठीक है। आफ्टर थॉट, आफ्टर थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, डिसीजन के बाद का थॉट। और पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट तो होता है किसी को स्थगित करना, आगे पोस्टपोन कर देना, मतलब कि ये आगे ली जाएगी, ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी, ये आगे हम अटेंड करेंगे इसे। अब वह इडियम फ्रेजेस, नाइन्थ है लीप्स एंड बाउंस। देखो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लीप्स का भी और बाउंस का भी, ठीक है, मतलब बाउंस करना या जंप करना। तो अब हम जंप करते करते चलेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे ना कहीं पे, तो इसका मतलब ही यही होता है, वेरी क्विकली, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का सेंस तो आ रहा लगातार, इसका अब लगातार तो हम स्लोली भी चल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। वेरी स्लोली और इलीगली, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, स्लोली तो अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। वेरी क्विकली ये था आंसर, और विदाउट फॉलोइंग इन, फॉलोइंग द नॉर्मल क्राइटेरियन, ठीक है, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल ही अलग है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो ना करते हुए, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। नेक्स्ट है बाय द बुक। अब देखो हम जब शपथ लेते हैं कोर्ट में, कोई भी टेस्ट में नहीं देता है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो वो क्या करता है, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है उस पे ऊपर हाथ रख के कसम खाता है। किसी भी देश में वो लगभग सब में यही होता है, वहाँ के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके ऊपर हाथ रख के, या वो बाइबल हो या कुरान हो, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। तो अब उसके अनुसार चलेंगे हम, तो क्या करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है, रूल्स, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली, तो इसका आंसर सेकंड है, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट है बाय स्टडिंग द बुक, यहाँ पे वाई आएगा, तो अब बुक को पढ़ते हुए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एज पर इट्स विश, मतलब उसकी मर्जी, अब इट्स मतलब कोई नॉन लिविंग, तो अब किसी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, ही जी या हर विश ऐसे होता तो फिर भी मीनिंग निकल जाता, तो ये तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर के अनुसार,
किसके ऑर्डर के, तो इसमें ऑर्डर के अनुसार तो कोई सेंस निकलती नहीं। इसका मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको स्ट्रिक्टली बिल्कुल टू द पॉइंट उनको फॉलो करते हुए, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इज़ दैट 600 करोड़ रिलीफ पैकेज इट ग्रांटेड फॉर केरला इवन बेरली एडिक्यूएट फॉर मीटिंग द नीड्स टू द ग्राउंड। अब पूछ रहा है इसमें, देखो इज स्टार्टिंग में ही वर्ब से स्टार्ट कर दिया ना और पीछे क्वेश्चन भी है, तो पूछ रहा है कि क्या ये जो 600 करोड़ का रिलीफ पैकेज है ना वो जो इसने दिया है इट, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, अभी अभी केरला में दिया था ना 600 करोड़ का रिलीफ पैकेज फॉर केरला, इवन बेरली, क्या थोड़ा सा भी पर्याप्त है क्या ये उसकी ज़रूरतों को मीट करने के लिए, ज़रूरतों को पूरी करने के लिए टू द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे फिर फ्रेज यूज हुआ है ऑन द ग्राउंड, मतलब रियलिटी में, ठीक है प्रैक्टिकली, तो इसका यही होगा आंसर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब वो प्रैक्टिकली क्या थोड़ा बहुत भी एडिक्वेट है क्या उसके लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। अब एक फ्रेज होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने ये डिसीजन लिया, तो उस सेंस में यूज होता है, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड अकेला है, इसका मतलब होता है रियलिटी में। अब नेक्स्ट है, एन इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ कश्मीर पॉलिटी हैज़ राइट आइडेंटिफाइड द चैलेंजेस। अब कोई इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बहुत ही फेमस, तो सेक्शन था कोई ग्रुप था कश्मीर की पॉलिटी का, हैज़ राइट आइडेंटिफाइड मतलब उसने कुछ पहचाना है किसको, चैलेंजेस को, कठिनाइयों को, दैट कम फ्रॉम द मजलिंग ऑफ द मैसेंजर। वो किससे आई हैं चैलेंजेस, फ्रॉम द मजलिंग ऑफ द मैसेंजर। अब मजल करना क्या होता है, मजल हम करते हैं जैसे पशुओं को करते हैं जो डेंजरस हों, जैसे डोगी है कोई भी पिटबुल है जो बहुत ही वायलेंट होता है, तो हम उसके मुंह पे मजल लगा देते हैं, मजल होती है चीखी जो उसके मुंह को बंद रखती है, तो माउथ गार्ड भी बोलते हैं इसे। तो अब मैसेंजर के को मजल कर दिया, अब यहाँ पे मजल का मतलब क्या है, मजल का मतलब है चुप कराना या भगा देना उस सेंस में, मतलब बस बोलने ना देना उस सेंस में है। तो अभी मजलिंग ऑफ द मैसेंजर, अब ये यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड है, मतलब जो उसके मैसेंजर होते हैं उनको चुप करा दिया गया, तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि इसके कारण चैलेंजेज आए हैं, जो कश्मीर की पॉलिटी का एक सेक्शन है ना वो यही रीज़न बता रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा आइडेंटिफाइड, और उसके लिए एडवर्ब चाहिए राइटली, मतलब सही तरीके से पहचाना है, तो थर्ड ऑप्शन है राइटली आइडेंटिफाइड, यही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कवर विद ए लॉट ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन मतलब सजावट, तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेकोरेशन से सजाना, स्पेशली विद व्हेन दिस इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस, मतलब जब ये इसमें क्या हो, स्मॉल छोटे छोटे और जटिल डिजाइंस हो। अब इसको क्या कहेंगे, पोम्पस होता बड़कीला, ये भी सजावट की सेंस में होता है, हो सकता है ऑर्नेटेड भी यही होता है सजाया हुआ, सोम्बर होता है सिंपल सादा, और ऑस्टियर भी यही होता है जो ज़्यादा लग्जरियस ना हो। तो अब इसका यहाँ पे इन दोनों में से क्या आएगा, अब देखो पोम्पस होता है एक्स्ट्रा डेकोरेशन की सेंस में, बहुत ही ज़्यादा भड़कीली की सेंस में, ठीक है। अब ऑर्नेट ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन फिर भी सिंप्लिसिटी हो सकती है उसमें, तो ये मीनिंग इसके क्लोज है ना, ये है एक्स्ट्रा की सेंस में, देखो ये एक्स्ट्रा आ गया पोम्पस, और ये है ज़्यादा, ठीक है एक्स्ट्रा मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो अब ये यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा की सेंस आ नहीं रही, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑर्नेट, सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन ए लैंग्वेज, अब किसी भाषा में स्पेलिंग का सिस्टम को क्या बोलेंगे, देखो ऑर्थो वर्ड रूट होता है ना उसके कई मीनिंग होते हैं, एक तो होता देखो ऑर्थो हड्डी भी होती है, ऑर्थोडोंटिक्स होता है ना जो डॉक्टर वगैरह होते हैं हड्डियों के डॉक्टर, तो अब हड्डियाँ कैसी होती हैं, सीधी होती हैं अकड़ी हुई होती हैं, तो अब सीधे की सेंस में एक और मीनिंग होता है जो सही हो, ठीक है अब सीधा साधा होगा जो मतलब वो सही होगा ना राइट, तो राइट स्पेलिंग
का जो सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफी। देखो इसमें ग्राफ ग्राफ तो आ गया, कोई भी वर्ड्स वगैरह, ठीक है, तो इसका यही आंसर है फोर्थ। क्योरम, क्योरम होता है कम से कम संख्या, जैसे कि इस गवर्नमेंट बनाने के लिए इतने एमपी चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या हो गया क्योरम। अब कोई भी मीटिंग होती है किसी फर्म में कंपनी में, तो उसमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्योरम होता है कि 10 में से 6 बंदे तो होने ही होने चाहिए, तो क्या होगा उसका क्योरम हो गया। अब कैलीग्राफी और कैकोग्राफी, ये इस बिल्कुल अपोजिट हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। कैलीग्राफी तो होती है सुंदर लिखाई लिखने की कला, ब्यूटीफुल, और कैकोग्राफी बैड राइटिंग, ठीक है। कैको नेगेटिव होता है, बैड इसका मीनिंग होता है, कैली कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, वर्ड रूट है ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो 3 तो करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। एलिविएशन, ठीक है, देखो एलिविएट से बना है एलिविएशन, इसका मतलब होता है सूद करना, किसी का दर्द कम कर देना। तो अब देखो इसको एलिवेशन से कंफ्यूज मत करना, एलिवेशन का एंगल होता है, देखो मैथ में पढ़ते हैं हम, मतलब ऊंचाई कितनी ऊंचाई है, तो उस सेंस में होता है। एलिवेटर भी यूज़ करते हैं हम, सीढ़ी, वो एलिवेटर जो लिफ्ट्स होती हैं इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है माउंटेनियर्स, देखो इसमें स्पेलिंग गलत है, ये पहचानो कहाँ से, माउंटेन से बना है माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स वो होते हैं जो माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, तो इसमें डबल ही आता है, यहाँ पे सिंगल ही नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर है इसका, यही इनकरेक्ट स्पेलिंग है। अब सैनिटेशन, सैनिटरी पैड्स होते हैं, तो ये होते हैं साफ़ सफाई, इसका मतलब होता है साफ़ सफाई। गांधी जी बहुत ध्यान रखते थे सैनिटेशन का, वहाँ पे भी मिलता है ज़्यादातर ही। डिकम्पोजिशन, डी प्लस कंपोज, ठीक है, देखो कंपोज होना तो बना उतना, अब उसको डिकम्पोज कर देंगे, मतलब जिससे वो बना हुआ है उनमें तोड़ देंगे उसको वापस, तो उसको कहते हैं डिके होना, रोट तोड़ जाना, गलना सड़ना उस सेंस में। नेक्स्ट है 16th, इंटरमिनेबल वायलेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इंटिमिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमिनेबल जो वर्ड है ना वो किससे बना है, देखो टर्मिन, टर्मिनेट में आता है ना, तो टर्मिनेबल, तो उसी से बना है इंटरमिनेबल। अब देखो जो टर्मिनेट हो जाए मतलब वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो इंटरमिनेबल होता है ना वो मतलब एंडलेस होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग। सो इसकी स्पेलिंग सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है वायलेंट, अब वायलेंट का मीनिंग होता है क्रूर, इसमें ई आता है ए नहीं आता, तो ये स्पेलिंग गलत थी वायलेंट की, VILENT होता है, तो सेकेंड आंसर है इसका। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट को बोलते हैं, जो उसमें लीडरशिप करती है ना, जो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैनेजमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। इंटिमिडेशन, अब देखो टिमिड, टिमिड होता है डरपोक, अब इंटिमिडेट फिर वो वर्ब होगी, वो होता है इंटीमेट, तो हो गया एडजेक्टिव, इंटीमिडेट हो गया वर्ब, मतलब किसी को डराना, और इंटीमिडेशन वो डराने की प्रोसेस, ठीक है, वो ये नाउन होती है, ये एडजेक्टिव और इंटीमिडेट वर्ब। नेक्स्ट है पी क्या वर्स करते हैं, लेड बाई द भारतीय जनता पार्टी, अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लीड लेड लेड, ये अगर सेकंड फॉर्म है तो इससे पहले चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लेकिन अगर ये होगी थर्ड फॉर्म तो ये है पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज, मतलब ये किसी एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखते हैं किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये स्टार्ट तो होगा नहीं इस पी से, पी से स्टार्ट तो होगा नहीं। हेड्स और इज, देखो हेड्स भी वर्ब होगी और लगा के इज भी वर्ब है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट चाहिए, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। बट ऑल्सो और नॉट जस्ट, अब देखो इन दो पेयर होते हैं, नॉट ओनली या और बट ऑल्सो के, या नॉट जस्ट और बट ऑल्सो, इनमें पहले नॉट जस्ट आता है तो, या नॉट ओनली आता है तो आर से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो पहले पढ़ते हम एस। अब एस वाले वैसे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, तो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। नॉट जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड्स और इज पार्ट ऑफ द कोलिशन इन 19, या लेड बाई द भारतीय जनता पार्टी, बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स अमंग विच द बीजेपी, हेड्स और इज पार्ट लेड बाई द,
देखो आर के बाद तो पी आएगा नहीं, हो गया ना, क्योंकि बीजेपी भी दे दिया और लेड बाई द बीजेपी भी दे दिया, दोबारा दोबारा थोड़े ना आएगा, तो आर के बाद पी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखो बीजेपी किसको लीड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड कर रही है, तो उसमें किसी के साथ कोलिशन नहीं है उसका, बाकी ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा सीट्स आई हुई हैं सब सबसे, और बहुमत से जितना चाहिए, क्योरम चाहिए जितना, उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाई भारतीय जनता पार्टी बट आल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स अमंग विच द बीजेपी हेड्स, कुछ में तो या तो वो हेड कर रही है, मतलब सबसे आगे लीड कर रही है, या क्या है वो पार्ट ऑफ कोलिशन है। ठीक है, 19 में देखो, 19 का मतलब स्टेट्स, अब स्टेट्स की बात कर रहा है अकेले, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद ही आएगा क्यों, तो आर के बाद तो क्यों आना चाहिए, क्योंकि 19 स्टेट्स की बात हो रही है, ये स्टेट पहले ही आ गया ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो 19 स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट है, तो आर क्यों आएगा। और पी तो एस के तुरंत बाद आएगा, क्योंकि बीजेपी इसमें लीड, इसको लीड कर रही है, तो एस पी आर क्या हो, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पी है इसमें टू फॉर्मुलेट ए सेपरेट लॉ अगेंस्ट लिंचिंग। अब देखो यहाँ से पता लगता है हमें लॉ को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे मेथड को डिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ब हैं जो एक स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होती हैं, डिवाइज ए मेथड या फॉर्मुलेट ए लॉ, ऐसे यूज होते हैं। मतलब अब फॉर्मुलेट का मतलब होता है क्रिएट करना, डिवाइज करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। नेक्स्ट है एंड ऑर्डर टू फॉर्मुलेट, अब इससे टू फॉर्मुलेट ए सेपरेट लॉ अगेंस्ट लिंचिंग, देखो इससे स्टार्ट हो सकता है कि बताते हुए कि ये करने के लिए हमें ये करना चाहिए, तो देखते हैं इसको भी कंसिडर कर लेंगे। एंड ऑर्डर कल्मिनेटेड इन ए डायरेक्शन टू द सेंटर, कल्मिनेट करना होता है एंड करना, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है क्लाइमेक्स, किसी चीज़ का आखिरी पार्ट, एंड। तो अब ऑर्डर कल्मिनेट, अब देखते हैं, अब देखो लॉ एंड ऑर्डर का वो होता है एक साथ यूज होते हैं, तो हो सकता है ये कल्मिनेट किसके लिए यूज हो रहा है, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स कमेंट्स ऑन द न्यू नॉर्मल, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेंट आई है किसके ऊपर, नया कोई नॉर्मल, नॉर्मल वैसे तो साधारण होता है, अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब है ट्रेडिशन, कोई भी जैसे हैबिट हो जाती है कोई भी, या जो बार बार एक्शन लिए जाते हैं उनको बोल देते हैं ट्रेडिशन। अब न्यू नॉर्मल एंड ओल्डर तो होगा नहीं, न्यू नॉर्मल टू फॉर्मुलेट ए सेपरेट लॉ अगेंस्ट, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा कि कोई नॉर्मल कोई ट्रेडिशन फॉर्मुलेट करेगा क्या। अब क्या कर रहे हैं, इन ए डायरेक्शन टू द सेंटर टू फॉर्मुलेट ए सेपरेट लॉ, हाँ कि सेंटर को डायरेक्शन दी जा सकती है क्या करने के लिए, कि वो एक लॉ फॉर्मुलेट करे, लॉ डिवाइस करे, तो क्यू के बाद पी आ सकता है। ठीक है, अब लॉ को कौन फॉर्मुलेट करता है, हमारे यहाँ पे हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उसमें फॉर्मुलेट होते हैं ना, तो क्यू के बाद पी चाहिए हमें, तो क्यू पी देखते हैं इसमें है, एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। और देख लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट्स कमेंट्स ऑन द न्यू नॉर्मल ऑफ मोबोक्रेसी आएगा। ठीक है, देखो मोबोक्रेसी होता है भीड़ तंत्र, अब भीड़ तंत्र चल रहा है आज के टाइम पे, उसमें क्या कर रहा है वो, अब भीड़ तंत्र के बारे में ही बता रहा है आगे, ये एडजेक्टिव वाला है, पार्टिसिपल फ्रेज आ गया फिर, इनडेटिंग लॉ एंड ऑर्डर कल। अब वो देखो मोबोक्रेसी का जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को इनंडेट कर रहा है। देखो इनंडेट करना एक तो होता है बाढ़ ला देना, डिलज कर देना, एक मीनिंग होता है बीसीज या ओवर पावर। ठीक है, अब देखो बाढ़ आ गई ना तो हमारा कुछ काबू नहीं रहता सिचुएशंस के ऊपर, इसका सिमिलर मीनिंग हो गया यहाँ पे, कि किसी के ऊपर कोई चीज़ अगर हावी होगी ना तो हमारा फिर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो इनंडेट का मतलब हावी हो जाना, ओवर पावर हो जाना, ओवरवेलम कर देना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ऑफ मोबोक्रेसी है ना वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हावी हो गया है, ओवर पावर कर लिया उसने, कल्मिनेटेड इन ए डायरेक्शन, अब देखो कल्मिनेटेड एंडेड, कल्मिनेट का मतलब एंड होना, टर्मिनेट होना, अब देखो नॉर्मल ऑफ मोबोक्रेसी तो एंड हो नहीं रहा, तो देखते हैं। अब वैसे भी देखो प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है ना, तो ये देखो नाउन ऑफ नाउन है यहाँ पे, नॉर्मल ऑफ मोबोक्रेसी ये है नाउन ऑफ नाउन, अब ये आया किसके बाद है, प्रेपोजिशन के बाद है, तो प्रेपोजिशन के बाद वाला तो कभी नाउन ऑफ नाउन या नाउन
सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं। तो ये कल्मिनेटेड वर्ब ये किसके लिए यूज हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स हैं, मतलब कुछ कमेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनमें से आखिरी कमेंट्स थी ना जो, मतलब आखिरी पार्ट था जो उनका, जिसमें वो एंड हो रही थी, वो किस डायरेक्शन में हुई है, सेंटर की डायरेक्शन में। किसके लिए, उनको क्या कहा है उसमें कि वो फॉर्मुलेट करे, वो बनाए, कानून बनाए लिंचिंग के अगेंस्ट। देखो लिंचिंग क्या होती है, लिंचिंग होती है कोई भी ग्रुप जब इकट्ठा होके जानबूझ के किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, मतलब जुडिशरी जो डिसीजन लेती है उससे बाहर होके, ठीक है, उस तो अपने हाथों में कानून लेके किसी को मार देता है, तो उसको बोलते हैं लिंचिंग, उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है लिंचिंग। तो यहाँ पे क्या है, आर के बाद तो ऐसा आएगा नॉर्मल ऑफ मोबोक्रेसी, ठीक है, ऑफ आर है ना, इनडेटिंग लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो एस के बाद क्यू, आर एस क्यू, ठीक है, तो इसी से पता लग गया था, वैसे स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि सेंटर को फॉर्मुलेट करना है ना, तो क्यू के बाद भी आएगा, तो ये एक में ही था, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव बनाना है, डिड यू मेक ए नॉइस, क्या तुमने शोर शराबा किया, किया था, ठीक है, टीडा है ना, तो इसका क्या होगा, वाज ए नॉइस मेड बाय यू, ए नॉइस को आगे उठा लेंगे और यू को बाय यू, तो वाज यू मेड ए नॉइस, मतलब तुम्हें नॉइस बना दिया गया था क्या, ये तो ऐसी तो सेंस ही नहीं है, तो गलत है। हैड ए नॉइस मेड बाय यू, अब हैड ए नॉइस बीन मेड बाय यू होता है ना, तो वैसे भी परफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा था इसमें, तो पास्ट टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते एक्टिव पैसिव में, ध्यान रखना ये, तो पास्ट डिड और वाज होते हैं ना जैसे, तो सेकंड फॉर्म रहेगी सिंपली वाज, तो इसमें वाज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर इसका, डिड ए नॉइस मेड बाय यू, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिड प्लस वी की पावर वन को किस में बदलते हैं, वाज प्लस वी की पावर थ्री, मतलब थर्ड वर्ब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है वाज प्लस, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, अब देखो पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन मार्क है ना, तो सेड को किस में बदल देंगे, सेड टू को आस्क्ड में, अब यस या नो आंसर है ना इसका, डू यू प्ले हॉकी को क्या का आंसर क्या होगा, यस या नो, तो इसको बदलते हम इफ से यूज करते हैं, इसको इफ से लिंक करते हैं, इफ आई डिड, अब डू को किस में बदल देंगे, डिड में, क्योंकि आगे सेड है, तो इफ और यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है 1 2 3 एस ओ एन होता ना, तो जो टू आ गया ना 1 2 3 में टू, उसके नीचे ओ है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तो यू बदल जाएगा मी के सब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब आई में, तो इफ आई डिड प्ले, अब डिड प्ले तो किसी के ऊपर जोर देने के लिए होता है ना, कि आई डिड प्ले हॉकी, मतलब हाँ मैं खेलता हूँ हॉकी, तो यहाँ पे सिंपली जोर देने की बात नहीं हो रही, तो सिंपली आई प्लेड हॉकी आएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट है एज डेस मानसून, क्लोजेस्ट है, रेन्स बेटर केरला, ठीक है, अब देखो केरला में अभी पीछे बहुत सारा हैवी बारिश हुई थी वहाँ पे, अभी यहाँ पे पता है देखो रेन्स का मतलब रेन का प्लूरल है, ये रेन्स इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वर्षा, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एज डेस मानसून रेन्स बेटर केरला, बेटर वर्ब है, ठीक है, और एज कंजक्शन यहाँ पे मीनिंग पता है क्या इसका, एज का मीनिंग यहाँ पे बिकॉज नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है वाइल, ठीक है, तो बेटर, अब बेटर का मतलब होता है बेटर्ड, जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है डाइलेपिटेटेड, मतलब बिल्कुल नष्ट हुआ हुआ, तो बेटर का मतलब यहाँ पे वर्ब में होता है बहुत ही बार बार स्ट्राइक करना, देखो बेटर्ड का मतलब होता है डाइलेपिटेटेड, जैसे बेटर्ड कोई हाउस है मतलब बिल्कुल ही टूटा फूटा, लेकिन वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है स्ट्राइक रिपीटेडली, अब देखो किसी को बार बार स्ट्राइक करेंगे रिपीटेडली करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बेटर्ड हो जाएगी ना, मतलब वो टूट फूट जाएगी, तो उसी सेंस में है कि उसने केरला को बिल्कुल थ्रैश कर दिया, बहुत ही बार बार बेटर कर दिया मानसून रेंस ने। द स्टेट इज डैश अंडर वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट फ्लड्स
सिंस 1924। अब जो स्टेट है ना वो राज्य है केरला, वो किसके अंडर है, वो बहुत ही सबसे बुरी फ्लड्स में से एक के अंडर है। देखते हैं क्या आएगा अंडर से पहले कौन सी वर्ब आएगी। इन फोर डेज मतलब चार दिनों के अंदर 39% वर फेयर टू हैव डाइड। अब देखो टू डाइड, फियर टू डाइड भी होता है, ठीक है, फियर टू बी डेड भी होता है और फियर टू हैव डाइड भी होता है। तो फियर टू बी डेड होगा सिंपली सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी सिंपल पास्ट में, क्योंकि फियर्ड है ना, और फियर्ड टू हैव डाइड इसलिए आया क्योंकि देखो इन फोर डेज है। अब यहाँ पे स्पेन बता रहा है टाइम स्पेन, जैसे फोर फोर डेज होता है ना, मतलब चार दिन के अंदर 39 पीपल है ना, पर्सन है, उनको उनको क्या सोचा जा रहा था कि वो मर चुके हैं, ये सोच के डर, इस चीज़ का डर हुआ था। एंड सम मोर वर मिसिंग, और कुछ और ज़्यादा खोए हुए थे। द डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं बहुत ही भारी वर्षा को, हैवी रेन को। वाज सो टोरेंशियल मतलब इतनी तूफानी थी, देखो टोरेंट से बना है टोरेंशियल, एडजेक्टिव है टोरेंशियल। अब टोरेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, सेवर हार्स की सेंस में, तो हैवी। अब इतनी ज़्यादा हैवी थी कि इदुकी डैम रिजर्वोयर है ना, जो कोई डैम का नाम है, वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है ना उस तक भर गया। देखो फिल्ड टू कैपेसिटी है, एक साथ यूज होता है। एंड द गवर्नमेंट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, देखो इन यहाँ पे फिर देखते हैं, अब हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री होगी, गवर्नमेंट की हिस्ट्री होगी, तो यहाँ पे इट्स आना चाहिए क्लियर है। तो फोर्स टू ओपन ऑल फाइव ऑफ इट्स फ्लड गेट्स, उसको बाध्य कर दिया गया इस चीज़ से, वो बाध्य थी क्या करने के लिए, जो ये डैम है ना इसके पांचों के पांचों फ्लड गेट्स को खोलने के लिए, टू डैश द एक्सेस वाटर। अब एक्सेस वाटर को कुछ किया गया, हो गया उससे, अब क्या होता है देखते हैं। एंड डैश अराउंड 1,00,000 पीपल ऑफ द अफेक्टेड एरिया, और जो 1,00,000 लोग थे वो प्रभावित एरिए से कुछ किए गए, तो यहाँ पर भी फिलर है। तो अब देखते हैं दोबारा, एज डैश मानसून रेन्स बेटर केरला। अब देखो जेंटल तो थी नहीं, क्योंकि जेंटल होता है बहुत ही माइल्ड, ठीक है, माइल्ड की सेंस में, ये तो कम होगी ना, तो जेंटल ब्रीज होता है, वैसे भी जेंटल रेन नहीं होता, तो ये तो आएगा नहीं कम की सेंस में। अब लाइट, लाइट रोशनी, तो ये भी नहीं होगा, लाइट वेट होता है, कम वेट, तो ज़्यादा की सेंस होनी चाहिए। अब रिडेक्ट, रिडेक्ट भी वर्ब है, इसका मतलब होता है एडिट करना या रिमूव करना, ये करते हैं हम किसी डॉक्यूमेंट से, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए हमें, रिडेक्ट तो वर्ब है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक ही बच गया, हैवी, क्योंकि जैसे ही हैवी रेन्स ने क्या किया, बैटर किया केरला को, मतलब उसको स्ट्राइक किया बार बार, बार बार होने लगी वहाँ पे। स्टेट इज डैश अंडर, स्टेट इज़ रिलाइंग, रिलाइंग का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, रिलाइंग के साथ तो ऑन लगता है, तो वो अंडर तो होगा नहीं। अब रियलाइजिंग, रियलाइजिंग का मतलब आभूति होना, तो अब रियलाइज तो कोई पर्सन करता है ना, स्टेट तो करेगा नहीं कि पूरा पूरा स्टेट। अब रियलाइज समथिंग होता है, वैसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अब मेहनत करूँगा, तो ये भी नहीं होगा। अब रीलिंग, रीलिंग का क्या मतलब होता है, जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है वाइंड समथिंग ऑन टू ए रील, रील के ऊपर लपेटना कुछ, लेकिन जब होता है एक और केस में होता है इसका मीनिंग, वहाँ पे होता है स्टम्बल करना या स्टैगर कर देना, लड़खड़ा जाना, मतलब बैलेंस बिगड़ जाना। देखो हम रील की तरफ अगर जैसे कुलाबाती खाते हैं ना, तो कुलाबाती खाते चलेंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, लड़खड़ा जाते हैं, तो उसी सेंस में ये, तो वो रील कर रही है किसके अंडर, सबसे बुरी फ्लड्स के में से एक के अंडर, ठीक है, रील अंडर यूज होता है। अब देखो फाइटिंग अंडर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फाइट अंडर मतलब किसी राजा के नीचे लड़ रहे थे क्या वो, किसी राजा के नेतृत्व में, ठीक है, स्टेट, तो फाइट की तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही, तो एक ही रह गया यहाँ पे, थर्ड आएगा रीलिंग अंडर। नेक्स्ट है, अब इन फोर डेज इतने लोगों को का डर था कि वो मर गए हैं, मर चुके हैं और कुछ मिस कर रहे थे। द डाउनपोर वाज सो टोरेंशियल, मतलब वो इतनी सेवर थी कि इतनी हार्स थी जो वर्षा थी वो, कि इदुकी डैम रिजर्वर वाज फिल्ड टू कैपेसिटी, वो कैपेसिटी तक भर गया।
एंड गवर्नमेंट वॉच, अब देखो ये कोमा के बीच में है दोनों इन्फॉर्मेशन, ये जो फोर्स्ड है ना ये वॉच फोर्स्ड टू ओपन, डायरेक्ट वॉच के लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए आया है, तो गवर्नमेंट वॉच फोर्स्ड टू ओपन ऑल फाइव गेट्स फ्लड गेट्स, उसको फोर्स कर दिया गया, वो बाध्य थी वो फ्लड गेट्स को खोलने के लिए। अब ये कोमा के बीच वाले पढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन, अब देखो इट्स हिस्ट्री आ सकता है क्योंकि देयर गवर्नमेंट के लिए तो देयर आएगा नहीं, प्लूरल तो है नहीं गवर्नमेंट, अब आवर हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री के लिए क्यों, अब गवर्नमेंट की बात है तो उसकी हिस्ट्री, तो यहाँ पे अब ये इट कोमा एस है ना, इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, अब ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या है नाउन है, तो यहाँ पे इट्स आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द फ्लड गेट्स टू डैश द एक्सेस वाटर, अब ज़्यादा पानी है ना जो एक्स्ट्रा पानी उसको क्या करेंगे, वो डिस्पेल करेंगे या फोस्टर करेंगे या रिजर्व करेंगे या कंजर्व करेंगे, अब सीधी सी बात है वो पानी क्या है चाहिए तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि फोस्टर का मतलब होता है किसी को सहायता करना या नर्चर करना, जैसे फोस्टर होम्स होते हैं किड्स के लिए बच्चों को पालने के लिए, या फोस्टर मदर होती है, ठीक है, जो माँ की जगह उसको पालन पोषण करती है उसका। अब रिजर्व देखो, एक तो बाघ रिजर्व होते हैं उनको बाघों का संरक्षण करते हैं, एक होते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व रिसोर्सिस ऐसे यूज होता है। अब कंजर्वेशन में क्या होता है, हम यूज़ तो करते हैं रिसोर्सिस को लेकिन उसको उतना ही बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब रिजर्व करते हैं ना तो उनका यूज़ नहीं करते, अब बाघों का क्या यूज करेंगे, ठीक है, उनको बनाए रखना है एज इट इज़। अब इसमें कंजर्वेशन में क्या होता है, उसको यूज करके वापस फिर उतना बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं कर सकते हैं, तो मतलब वो बिल्कुल एंड ना हो, इतने बनाए रखने की सेंस में होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं जब जैसे कोयला वगैरह पेट्रोलियम वगैरह, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा को तो इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा एक्स्ट्रा वाटर के लिए, क्या आएगा डिस्पेल, मतलब उसको डिसमिस कर देना या भगा देना उस सेंस में, ये पर्सन के लिए भी यूज होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ के लिए, पानी के लिए भी क्या यूज़ होगा यहाँ पे, उसको डिस्पेल करने के लिए उसने सभी के सभी पाँचों के पाँचों फ्लड गेट्स खोल दिए एंड डैश अराउंड 1 लाख पीपल। अब देखो 1 लाख लोगों को क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट डिपार्ट अराउंड तो होता नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पे वैसे देखो अराउंड किसके लिए यूज हुआ है, वर्ब के बाद नहीं आ रहा है अराउंड का मतलब यहाँ पे अबाउट, मतलब उसने अबाउट 1 लाख पीपल को क्या किया है देखते हैं, एवैक्यूएट एक्सोडस और अराइव्ड, अब अराइव्ड तो पहुँचना हो गया, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, अब डिपार्ट तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, लीव कर दें किसी प्लेस को, ठीक है, जैसे घर छोड़ के जाते हैं दूर शहर में तो हम क्या करते हैं डिपार्ट करते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में किन्हीं लोगों के जाने को क्या बोलते हैं, एक्सोडस बोलते हैं, अब ये क्या है नाउन है, इवैक्यूएशन होता है इसका मीनिंग, मतलब किसी जगह को खाली करके और बाहर निकल जाना, अब इवैक्यूएट वर्ब है, अब यहाँ पे टू के बाद एक तो आगे डिस्पेल और एंड लगा के फिर एक वी वन, देखो इस टू के बाद दोनों वी वन आएंगी, ठीक है, टू डिस्पेल एंड इवैक्यूएट ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है, अब टू देखो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, आप सोचोगे कि टू यहाँ पे क्यों नहीं यूज हुआ, तो टू दोनों सही हैं, टू डिस्पेल एंड टू इवैक्यूएट बोल दें या टू डिस्पेल एंड इवैक्यूएट दोनों सही हैं, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए हमें ना कि नाउन, एक्सोडस का मीनिंग तो वही है इवैक्यूएट जैसा लेकिन ये नाउन है और ये वर्ब है, तो इवैक्यूएट आएगा, इवैक्यूएशन नाउन होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन था डिस्पेल, इसका थर्ड इट्स एडजेक्टिव चाहिए था हमें, और रीलिंग अंडर होता है किसी के दबाव के नीचे लड़खड़ा जाना, ठीक है, अपने आप को संभाल ना पाना उस सेंस में, और यहाँ पे अब जो रेंज थी वो माइल्ड तो थी नहीं तो हैवी चाहिए, फोर्थ ऑप्शन था, ठीक है, ये था आज का टेस्ट।